हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है वो जानने के पहले थोड़ा एक एनालॉजी जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपने गॉस लॉ देखा था, तो गॉस लॉ बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फार्मूला फाइंड करने में हेल्प करता है। उसी तरह मैग्नेटिज्म में, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करने में हेल्प करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैट में था। इसी के एनालॉगस होता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो ये हमने जितना अभी तक आपको मैग्नेटिक फील्ड का कहानी बताया, ऑल दोज फार्मूला हैव बीन डिराइव्ड यूजिंग द बायोट सेवर्ट्स लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ होता है, मैग्नेटिज्म में बायोट सेवर्ट्स लॉ वही काम करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में जो गॉस लॉ का काम है, गॉस लॉ, उसी तरह गॉस लॉ बेसिकली क्या हेल्प करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम कैसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द गॉस लॉ। उसी तरह मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यदि हमको डिराइव करना है इन अ इजियर वे, तो उसके लिए हम आज देखेंगे जिसका नाम है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ, मैग्नेटिज्म में बायोट सेवर्ट्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम पहले चार इक्वेशन को समझते हैं कि बेसिकली इंटीग्रेशन से रिलेटेड चार इक्वेशन किस तरह के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में। तो वो चार इक्वेशन में से तीन इक्वेशन आपने ऑलरेडी देखा है या फिर दो इक्वेशन आपने ऑलरेडी देखा है। पहला इक्वेशन है ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये जो इंटीग्रेशन, ये आपने देखा इक्वेशन और इसी का नाम है गॉस लॉ। और ये कितना आया था, ये आया था क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट हम इक्वेशन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इस इक्वेशन को आपने बोला था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करने में हेल्प करता है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस है स्मॉल सरफेस एरिया, और इसको अप्लाई करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया था जो कि 3D शेप है। तो ये गॉस लॉ में एरिया लेना पड़ता है 3D शेप। तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला इक्वेशन था और ये बेसिकली हेल्प करता है टू फाइंड द वैल्यू और द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैट। उसी तरह से दूसरा एक और फार्मूला है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, यानी जहां पर एरिया था वहां पे हमने लेंथ ले लिया, यानी स्मॉल लेंथ दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये एक इक्वेशन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। नाम सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ये टर्म। ये इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपने दो तरह का फोर्स पढ़ा था, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, यानी वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। और वर्क को कैसे लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अभी लेंथ से लिख रहे हैं क्योंकि एस लिखेंगे तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे एस मतलब एरिया है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ओवर वर्क, और इंटीग्रेट कर दिया ओवर क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ के ऊपर यदि वर्क जीरो हो जाए तो ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम हो जाता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस फोर्स को हटा के हम यहाँ पे रख देंगे क्या, फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, फोर्स इक्वल टू वो होता है चार्ज इनटू फील्ड। तो चार्ज को यहाँ से हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली ई डॉट डी एल, और चार्ज को इधर जीरो बाई क्यू कर देंगे, मतलब क्या चार्ज बाई जीरो, मतलब क्या जीरो। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव, जो कि ये इक्वेशन बता रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये दो इक्वेशन हो गए। तीसरा, ये दोनों किस में है, इलेक्ट्रोस्टैट में।
तीसरा जो इक्वेशन है वो ये है कि बी डॉट डी एस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इन मैग्नेटिज्म दिस इज इक्वल टू जीरो. उल्टा होता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन जीरो था बट यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन जीरो होता है मैग्नेटिज्म में. और ये इक्वेशन क्या बोलता है, जैसे इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है इसको यदि हम समझना चाहते हैं तो ये इक्वेशन बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ये आपको बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट. कहने का मतलब जहां कहीं भी नॉर्थ पोल है उसके आजू बाजू साउथ पोल जरूर होगा. यानी एक साथ केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो उसी का मतलब ये है, यानी ये बेसिकली सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताता है कि किसी भी मैग्नेट को यदि हम कितना भी तोड़ते जाएं तो जो छोटे छोटे मैग्नेट जनरेट होंगे उसमें नॉर्थ के साथ साथ साउथ भी जरूर होगा. तो नॉर्थ और साउथ को कभी भी सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. यानी मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट. मोनोपोल मतलब सिंगल नॉर्थ या केवल साउथ पोल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता. जहां पे नॉर्थ होगा वहां साउथ जरूर होगा और जहां साउथ पोल है वहां पे नॉर्थ जरूर होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, उसी तरह इस इक्वेशन का नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल यानी केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता. ओके अच्छा, लाइन इंटीग्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आ जाएगा. तो बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू और ये होता है म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप. ये होता है और इसी इक्वेशन का नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये चार इक्वेशन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में जहाँ भी दिखे इसका मीनिंग के साथ आपको याद होना चाहिए कि ये इक्वेशन क्या बोलना चाहता है. पहला इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट. ये इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे. दूसरा है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इक्वल टू जीरो. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है. ओके तीसरा इक्वेशन है इसका नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. कहना क्या चाहता है ये बोलना चाह रहा है कि बी डॉट डी एस यानी स्मॉल एरिया के ऊपर यदि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड को टोटल एरिया के ऊपर यदि इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फील्ड की वैल्यू कितना आएगा, वो जीरो आएगा. इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन का नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. और ये जो इक्वेशन है इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. क्या बोलता है, बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इन साइड द लूप और उस लूप का नाम आएगा एम्पियरियन लूप. क्लियर है, तो ये चार इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग आपको ए टू जेड पता होना चाहिए और इसी इक्वेशन का नाम क्या है सर, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. अच्छा जैसे गॉस लॉ आपको क्या हेल्प करता है, गॉस लॉ हेल्प करता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करने में, उसी तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करने में हेल्प करता है. तो नाउ वी हैव द एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ. अच्छा पढ़ेंगे कैसे इसको, इसको पढ़ते हैं. लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप, जो स्टेटमेंट दिख रहा है. ओके मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं सर, ये है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप. ये है स्टेटमेंट. पूरा कैसे लिखेंगे इसको, DL मतलब लाइन, इंटीग्रेशन सर्कल मतलब क्लोज्ड पाथ के ऊपर करना इंटीग्रेशन, किसका मैग्नेटिक फील्ड का, किसके बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट तो आपको पता है परमीएबिलिटी बोलते हैं, 4π 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होता है. आई इनसाइड इसका मतलब होता है करंट इनसाइड द लूप. अब थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं और इससे रिलेटेड फिर फार्मूले को अच्छे से पहचानना है. तो बी जो दिख रहा है आपको ये बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होके इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट, सभी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है.
चाहे वो अंदर है या फिर बाहर, सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है। थोड़ा इसको डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है, और आई इनसाइड क्या है, आई इनसाइड इज द करेंट या टोटल करेंट बोल सकते हैं, टोटल करेंट इनसाइड एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, यानी एक लूप बनाना पड़ेगा और उसके अंदर टोटल करेंट हमको लिखने पड़ेंगे। अब करंट टोटल यदि लिखना है तो कई बार करंट को प्लस लेना पड़ता है और कई बार माइनस लेना पड़ता है, और बहुत सारा करंट है तो प्लस माइनस कैसे लेंगे उसके लिए डायरेक्शन देखना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि आपके पास बोला है कि वी हैव सपोज थ्री वायर, तीन वायर है या तीन से ज़्यादा वायर है। एक में करंट मान लेते हैं अंदर जा रहा है, ये इस तरह का वायर है, एंड द करंट इनसाइड दिस वायर इज आई वन, ये इस तरह का वायर है। ओके, एक और वायर है आपके पास बोला है, दिस इज डॉट, डॉट मतलब क्या, ये करंट बाहर, सॉरी बाहर जा रहा है इस तरह से, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है और डॉट मतलब बाहर आ रहा है, और ये करंट मान लेते हैं दिस करंट इज आई टू, और एक और है इधर भी है क्या, डॉट दिस करंट यानी बाहर आ रहा है कितना है ये आई थ्री, ये इस तरह का है। ओके, अच्छा आपको यदि बोला जाए कि एक लूप बना लो, तो इस तरह से आपने कोई एक लूप ले लिया, लूप का शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर वट एवर, तो हमने एक लूप ले लिया और इस लूप में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत सारे टर्म है इसमें, थोड़ा इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो हम किधर भी ले सकते हैं, तो अभी के लिए हम मान रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, यानी इस लूप में हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ क्या, मूवमेंट, हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि यदि डायरेक्शन यानी करंट को कब प्लस लेंगे और करंट को कब माइनस लेंगे। सबसे पहले आते हैं बी के ऊपर, यानी इस इंटीग्रेशन में बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एक लूप लेना पड़ेगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब लूप लेना पड़ता है। जैसे गॉसियन सरफेस लेते थे आप इलेक्ट्रोस्टैट में, गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस 3D केस था, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ में आपको एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, क्लोज्ड लूप। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्लोज्ड लूप है अभी। ओके, तो इस लूप के अंदर दो करंट है I1 और I2, बट इस लूप के ऊपर कहीं भी यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस बी इज नॉट ड्यू टू ओनली दिस करंट, यानी केवल अंदर वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करंट, यानी इस पॉइंट पे यदि आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी लेंगे इस पॉइंट में किसके वजह से लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमको सबके वजह से लेना पड़ेगा। सबके वजह से कहने का मतलब है I1 के वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, I2 के वजह से भी और I3 के वजह से भी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली ड्यू टू ऑल द करंट, सभी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है, किसी भी पॉइंट पे लेंगे, यानी इस पॉइंट पे लेंगे, क्लियर है, इस पॉइंट। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से लेना है, सभी करंट की वजह से, I1, I2, I3 एज वेल। सो तो पहला टर्म आपका क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब भी लेंगे वो सभी करंट के वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ओके, बट करंट इनसाइड ये जो लेना है, करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप लेना है, यानी अंदर वाला लेना है केवल, बाहर का करंट नहीं लेना है। अब क्वेश्चन आता है इसमें किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि सेम हो तो करंट को प्लस लेते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये जो करंट है यानी आई इनसाइड को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो उसके लिए हम एक रूल याद करेंगे। रूल क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम तो क्या करना है, देन करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, उस करंट को क्या लेना है, प्लस, अदरवाइज क्या लेंगे, माइनस। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि यहां पर अभी किस करंट को प्लस लेंगे और किस करंट को माइनस लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। ओके, तो आई इनसाइड इसकी वैल्यू कितना होगा और किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे, तो आई इनसाइड मतलब दो करंट है वो तो हमको पता है,
एक है आई वन और दूसरा है आई टू एम्पिरियन लूप के अंदर। ये जो लूप है इसी लूप का नाम क्या है, एम्पिरियन लूप। दिस लूप इज नॉन एज वॉट, दिस इज एम्पिरियन लूप। ओके ओके, अब थोड़ा देखते हैं तो रूल क्या बोलता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट के वजह से सेम हो जाए उसकी वजह से या उस करंट को प्लस लेना है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा ये हमने एज्यूम किया, कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। तो हमने अभी एज्यूम किया है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा ये है इस तरह से। ओके, तो आई वन के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर विल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब थंब अंदर है। तो इस पॉइंट पे यदि बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड आई वन के वजह से किधर होगा सर, तो ऑब्वियसली नीचे है। यानी इसके वजह से क्रॉस यानी थंब अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आई वन के वजह से इस पॉइंट पे यदि देखें तो ये इधर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो ऑब्वियसली आई वन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस आई वन, क्लियर है। अच्छा, आई टू की वजह से देख लो, तो आई टू में डॉट डॉट मतलब ये बाहर है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस पॉइंट पे फिंगर किधर जाएगा, ऊपर। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और हमारा फिंगर दोनों किधर है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो करंट आई टू है दैट विल बी अ प्लस करंट। तो कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है ये आपका क्लियर होना चाहिए। और इस करंट को हम इनसाइड में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एम्पिरियन लूप के अंदर जो करंट है केवल वो लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग था या फिजिकल मीनिंग था किसका, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। तो इसमें बहुत कुछ है, बी जो है फार्मूले में, ये बी जो है केवल इनसाइड करंट के वजह से नहीं है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यदि आपसे पूछा तो दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। एक और वायर आ गया मान लो यहाँ पे क्रॉस आई फोर, ओके ये आ गया। तो इस पॉइंट पे यदि पूछा मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा, नॉट ओनली ड्यू टू आई वन आई टू, ये आई थ्री और आई फोर के वजह से भी लेना है, टोटल लेना है। यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट के वजह से होगा, आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड। बट यदि करंट इनसाइड की बात किया जाए तो वो एम्पिरियन लूप के अंदर वाला केवल करंट लेना है, और वो भी साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। यानी हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और इस करंट के वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि सेम है देन दैट करंट इज प्लस, अदरवाइज इट इज माइनस, क्लियर है। तो ये हमको साइन कन्वेंशन थोड़ा अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, तभी हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएंगे। ओके, तो अब इस फार्मूले का यूज क्या है, तो जैसे गॉस लॉ से हम क्या डिराइव करते थे, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। उसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग कॉन्फिगरेशन ऑफ करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करके हम अभी मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे, और उसमें से बहुत सारा फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। यानी जो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ यूज करके फार्मूला डिराइव किया था उसमें से कुछ फार्मूले को हम फिर से डिराइव करेंगे बट यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करके फार्मूले डिराइव करना थोड़ा सा ईजी होता है, बट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हर एक जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। यानी इट इज इम्पॉर्टेंट एंड द इजिएस्ट वे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड और द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशन। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल है, हर जगह पे इसका यूज नहीं है। वट इज द जनरल रूल टू फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द बायोट सेवर्ट्स लॉ, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करने में हेल्प करता है, बट हर एक केस में इस फार्मूले को हम जनरलाइज करके अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो विल टेक वन ऑफ द कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली हम केसेस लेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर थिन इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। यानी करंट कैरिंग वायर है और थिन वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है, वी हैव अ थिन वायर और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ऊपर और नीचे
बहुत ज़्यादा लेंथ है इसका। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं दिस इज़ अ पी पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन द वायर। मान लेते हैं करेंट इस वायर में कितना है, आई, आई करेंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फार्मूला फाइंड करना है। डिस्टेंस भी ले लेते हैं, पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है दिस इज पी पॉइंट, पी पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से है कैपिटल आर। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट इन द इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर एट पॉइंट पी। और ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज नथिंग बट द वन ऑफ द केस ऑफ द बायोट सेवर्ट्स लॉ, या स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर का ये मिड पॉइंट वाला केस है। और ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। और ये केस कौन सा है, जनरल फार्मूला हमारा था स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से, ये वाला म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर होल इन टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये मिड पॉइंट वाला केस है तो साइन अल्फा और बीटा दोनों ही 90 हो जाएगा, तो 1+1 यानी 2 हो जाएगा, और 2 और 4 कैंसिल होकर 2 होगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम यूज़ करके किसका, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का देखेंगे कि सेम फार्मूला आ रहा है कि नहीं। फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, मे नॉट आई बाई टू पाई आर। बट नाउ विल डिराइव द सेम फार्मूला यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ताकि हमको जनरल केस पता चल सके या हमको ये पता चल सके कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ किसी भी सिचुएशन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। तो पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना है। तो रूल क्या है, जब भी आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करना है तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, वी हैव द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर स्मॉल लेंथ डी एल एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करेंट इनसाइड। ये फार्मूला है। तो ये यदि फार्मूला है हमारा जनरल फार्मूला, तो ऑब्वियसली हमको पहले एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट इनसाइड द लूप लेना है। तो सबसे पहला काम है एम्पीरियन लूप जनरेट करना। अब क्वेश्चन आता है कि एम्पीरियन लूप हम किस शेप का जनरेट करें, रेक्टेंगुलर या फिर कोई आर्बिट्री शेप, या फिर कैसा हम शेप जनरेट करें जिससे हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का एम्पीरियन लूप जनरेट कर सकते हैं। बट यदि इजिएस्ट वे यदि बोला जाए कि इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, या बेस्ट शेप ऑफ एम्पीरियन लूप कैसा होगा, तो यहाँ पर वायर के लिए सर्कुलर लूप जनरेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्योमेट्री में या इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, हर जगह पे एंगल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कोई रेक्टेंगुलर लूप या स्क्वायर लूप नहीं ले सकते, हम कोई भी शेप ले सकते हैं किसका, एम्पीरियन लूप का। बट हमारी सुविधा के लिए या इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए हम हमेशा ऐसे केसेस में कैसा लेंगे, सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप जनरेट कर देंगे। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से होते हुए हमारा एम्पीरियन लूप पास करना चाहिए, जिसका रेडियस कितना है आर, और एक सर्कल, सर्कुलर बोल रहे हैं, सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेंगे। तो यहाँ से एक सर्कल जनरेट कर देंगे कुछ इस तरह का। सो दिस इज अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द कैपिटल आर। ये इस तरह का एक सिचुएशन हमने जनरेट किया। अब क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या लेना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वट एवर, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मान लेते हैं हम, थोड़ा सा डायग्राम इस तरह से लेना, ओके। तो मान लो हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इनसाइड द प्लेन, डॉटेड मतलब इनसाइड द प्लेन, ओके। और ये प्लेन के बाहर है। तो ये इस तरह का बेसिकली हमने एम्पीरियन लूप ले लिया, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये क्या है सर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ओके। अब यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करना है, ओके। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखते जा रहे हैं। सबसे पहला काम था क्लोज्ड लूप, यानी हमने लूप ले लिया, एंड दिस लूप इज नथिंग बट द एम्पीरियन लूप। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको फाइंड करना है सर, और दूसरा है डीएल। तो जब डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ए डॉट बी, मतलब ए बी कॉस थीटा। सो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल वेक्टर। तो सबसे पहला काम है डीएल वेक्टर डिसाइड कर लो।
तो डीएल वेक्टर के लिए यदि किसी भी पॉइंट पे गए तो मान लो यहां पर हमने ये एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लिया, दिस इज द स्मॉल लेंथ, ये हमारा क्या है, दिस इज द डीएल वेक्टर। तो इस पॉइंट पी पे यदि पूछा जाए डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। तो ये सर्कल कुछ इस तरह से है, तो पी पॉइंट पे डीएल वेक्टर किधर है, अंदर, टेंजेंट है ना सर, दिस इज द टेंजेंशियल। जैसे इसका यदि हम टॉप व्यू बनाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह का दिखेगा, दिस इज आर पी पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये किधर है, ऊपर है, टॉप व्यू देख रहे हैं, ओके। बट यदि साइड व्यू देखेंगे तो ये उठ के इस तरह से हो जाएगा, इस सर्कल को पूरा इस तरह से उठा के ऐसे देखो तो ये एरो किधर जाएगा, अंदर जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अंदर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमने इस तरह से लिया है। ऑब्वियसली द पी पॉइंट विल हैव द डीएल वेक्टर इनसाइड द प्लेन। अब क्वेश्चन आता है डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमको समझ में आ गया, इस पॉइंट पे किधर है, इनसाइड द प्लेन। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली थंब किधर होगा, ऊपर, क्योंकि करंट वायर में ऊपर है। तो पी पॉइंट पे फिंगर किधर जाएगा, अंदर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पी पॉइंट पे डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। केवल पी पॉइंट पे नहीं, आप किसी भी पॉइंट पे एनालाइज करके देखो तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये क्यों हुआ, ये मैजिक क्यों हुआ, ये मैजिक इसलिए हुआ क्योंकि हमने सर्कुलर एम्पेरियन लूप लिया। यदि कोई और आर्बिट्री शेप लेते हैं तो अलग अलग जगह पे डायरेक्शन डीएल वेक्टर का और बी वेक्टर का अलग अलग हो सकता था, ठीक है, और वहां पे इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता क्योंकि एंगल वेरिएबल बन जाता। बट यहाँ पे एंगल हर एक जगह पे कांस्टेंट है। जैसे इस पॉइंट पे यदि देखो तो सर्कल कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे टेंजेंट बाहर आएगा। तो डीएल वेक्टर इज आउटसाइड द प्लेन एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो आउटसाइड द प्लेन। तो दोनों के बीच में हमेशा हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितने होंगे, 0 डिग्री होगा। और उसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, तो दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे एम्पिरियन लूप पे डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री। पी पॉइंट पे देखो डीएल वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। इस पॉइंट पे देखो डीएल वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर। हर पॉइंट पे बेसिकली क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर बोथ आर सेम, यानी दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो ए डॉट बी दैट इज ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री, is equal to what sir, that is mu naught times current inside the loop। तो loop के अंदर कितना current है, तो ये loop है और loop के अंदर current है I। but question आता है sir I को plus लेंगे कि minus, तो direction of movement और direction of magnetic field यदि same हो जाए तो obviously the current should be taken as positive। तो यहाँ पर यदि देखो तो direction of movement हमारा ये है और इस current के वजह से P point पे जाके देखो तो direction of movement P point पे देखें तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो भी अंदर है, यानी करंट के वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दोनों क्या है, सेम। तो ऑब्वियसली द करंट इनसाइड द लूप दैट शुड बी टेकन एज प्लस आई। क्यों प्लस लिए, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इनसाइड द लूप दैट इज द सेम, तो प्लस आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा यदि ध्यान से देखो तो इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पिरियन लूप, यानी ये जो सर्कल है दिस इज अ टाइप ऑफ एम्पिरियन लूप, तो हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे, ये भी पॉइंट रेडियस के बराबर, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, यानी वायर से एम्पिरियन लूप के ऊपर जितने भी पॉइंट है इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पिरियन लूप इज एट अ सेम डिस्टेंस एंड दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द एम्पिरियन लूप। क्योंकि हमने सर्कुलर लिया और ये सर्कुलर लूप लेने का बेनिफिट है, हम दूसरा लूप नहीं ले सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ले सकते हैं, बट वहाँ पर हर जगह पे डिस्टेंस अलग अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इंटीग्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने ये सिमेट्रिक केसेस लिए, तो इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पिरियन लूप इज एट अ सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस यदि सेम है तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्योंकि इस वायर से यदि आर डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो या इधर देखो या इधर देखो, डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, और यदि वैल्यू सेम है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट यदि है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दो तो बी वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया,
क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है. कैसे पता सर? इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पिरियन लूप इज एट अ सेम डिस्टेंस एंड दैट इज नथिंग बट द आर और कैपिटल आर. ओके, तो बी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए. ये क्या बचा फिर? डी एल. ओके, कॉस जीरो कितना हो गया? वन. नहीं लिख रहे हैं सर. इधर क्या आ गया? म्यू नॉट टाइम्स दैट इज द करेंट यानी आई. अब क्वेश्चन आता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल यानी ये वाला वैल्यू अब कितना होगा सर? व्हाट इज दिस वैल्यू? तो व्हाट इज डी एल? डी एल इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एम्पिरियन लूप. और आपने एम्पिरियन लूप का एक छोटा सा सेगमेंट लिया है और उसका लेंथ है कितना? डी एल. और उसको यदि आप टोटल लूप के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारे छोटे छोटे एलिमेंट जो कि इस लूप के अंदर है सबको आप ऐड कर रहे हैं. इंटीग्रेशन मतलब सम कर रहे हैं. तो सभी लेंथ को जब ऐड अप करते जाएंगे तो टोटल लेंथ बन जाएगा लूप के ऊपर. एंड व्हाट इज दैट टोटल लेंथ? दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पूरा इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ आ जाएगा और वो कितना होता है? 2πr हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज कैपिटल आर. तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप दैट रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ ओवर द इंटायर लूप एंड दैट इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द लूप. और वो कितने आएंगे सर? 2πr आ जाएगा. तो बी और ये पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा 2π कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या? करेंट. ओके, तो हमको बी का फार्मूला फाइंड करना था यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड करना था. तो बी इक्वल टू कितने हो जाएंगे? म्यू नॉट आई बाई 2πr. और ये हमको पहले से पता था क्या? इनफाइनाइटली लॉन्ग यदि वायर है और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे यदि आपसे मिड पॉइंट पे यदि पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2πr. एंड दैट इज द मैजिक ऑफ व्हाट? एम्पियर सर्क्यूलर लॉ. बहुत ही ईजी स्टेप में हम यहाँ तक डिराइव कर सकते हैं. बट याद करो वो फार्मूला यानी म्यू नॉट आई बाई 2πr हमने डिराइव किया था और वो आया था बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन के बाद. पहले हमने स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला निकाला था इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और फिर हमने एक स्पेशल केसेस लिया था पी टू बी एट द मिड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट वायर एंड इन दैट सिचुएशन वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2πr. यानी बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन था बट एम्पियर सर्क्यूलर लॉ को यूज़ करके ऑलमोस्ट 3 to 4 लाइन में हमने फार्मूला डिराइव कर दिया. बट अगेन दिस इज द केस ओनली एट विच वी कैन अप्लाई द एम्पियर सर्क्यूलर लॉ. इन द पॉइंट के बारे में यदि पूछा गया तो फिर से हम नहीं निकाल पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो केस एम्पियर सर्क्यूलर लॉ के लिए वैलिड बेसिकली वैलिड है बट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है. तो हम इसीलिए बोलते हैं कि एम्पियर सर्क्यूलर लॉ बहुत ही ईजीएस्ट वे है किस लिए? फार्मूला फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का. बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशन. इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द स्पेसिफिक केसेस. जैसे ये एक पर्टिकुलर केस में ये एप्लीकेबल था और हमने इस तरह से फार्मूला डिराइव किया. तो ये बेसिकली आपको डिटेल में हमने इसलिए इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि बेसिकली एम्पियर सर्क्यूलर लॉ का यूज़ हम कैसे करते हैं और इसमें कौन सा टर्म बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डी एल वैक्टर, बी वैक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो उसका यूज़ कैसे करना है वो आपको ए टू जेड आना चाहिए. तभी अदर सिचुएशन में यानी कोई भी जनरल केसेस दिया और वहाँ पर यदि पूछा आपसे एम्पियर सर्क्यूलर लॉ से यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो आपको ये सारे स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे. करंट का डायरेक्शन कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, वो सब भी आपको ए टू जेड क्लियर होना चाहिए. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. ये पहला एप्लीकेशन हमने बताया तो इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए. नाउ वी हैव, तो ये जो अभी हमने केसेस देखा ये बेसिकली था थिन वायर के लिए यानी वायर का थिकनेस अभी बहुत ही कम है. बट मान लो अभी हमको बोला है मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ है. बट इनफाइनाइट ऐसे बोल सकते हो आप करेंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर. दिस इज अ करेंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर और उस सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का. ये भी याद रखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है. तो सॉलिड सिलेंडर है, कहने का मतलब थिकनेस ऑफ वायर जो है इस पर बहुत ही ज़्यादा है. दिस इज अगेन द इनफाइनाइटली लेंथ सॉलिड सिलेंडर यानी वायर के जैसा ही है बट इसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है और इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट का यानी इसके एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट कुछ इस तरह से. एंड द टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंट दैट इज द आई.
इस तरह से करंट फ्लो कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर दो सिचुएशन आएगा। पहला आएगा कि जिस पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है दैट मे बी इनसाइड, और दूसरा हो सकता है दैट पॉइंट मे बी आउटसाइड, यानी पी पॉइंट मे बी इनसाइड द वायर या फिर इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर एज वेल एज आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। सो वी हैव द टू केसेस इन द सॉलिड सिलेंडर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और साथ ही साथ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और यहाँ पर मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट इज द कैपिटल आर। तो ऐसे सिचुएशन में अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फार्मूला हमको फाइंड करना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा हम नीट एंड क्लीन अच्छी तरह से बनाते हैं। तो हमारे पास इस बार सॉलिड सिलेंडर है, बट अगेन वी हैव द कंडीशन वी हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, यानी इसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, तभी एप्लीकेबल होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेंथ है अप टू इन्फिनिटी, और नीचे भी बहुत ज़्यादा लेंथ। इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे इस केस में आप इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हो? बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा सर? बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है सर? आप कैसे समझोगे कि इनफाइनाइटली लेंथ सॉलिड सिलेंडर है? तो आपको ऐसे समझना है, मान लो ये एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और आपसे बोला है कि रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर दैट इज कैपिटल आर। ये जो सॉलिड सिलेंडर आपने लिया है द रेडियस इज कैपिटल आर, और इसका लेंथ कुछ है, लेंथ मान लेते हैं एल है। तो इफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर दैट इज वेरी वेरी लार्जर देन द रेडियस, देन इन दैट सिचुएशन वी कैन कंसिडर द सिलेंडर टू बी अ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? ये चीज याद रखेंगे। लेंथ बहुत ही ज़्यादा है रेडियस से, तो ऑब्वियसली लेंथ टू बी कंसिडर्ड दैट इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अब दो केसेस आएंगे सर। तो पहला कहानी तो आपको ये पता चल गया कि इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। यानी आप यदि टॉप व्यू देखो इसका, यानी टोटल करंट यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज द आई, तो इसका यदि टॉप व्यू देखो यानी ऊपर से यदि जाके देखो तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, और ऑब्वियसली इस सर्कल में आपको डॉटेड दिखाई देगा। डॉट मतलब क्या? करंट ऊपर जा रहा है, तो इस पाइप को बेसिकली ये ऐसे है, इसको ऐसे करके आपको देख रहे हैं, तो करंट किधर निकल रहा है? बाहर। मतलब इस तरह से डॉटेड फॉर्म में बहुत सारे करंट हैं, एंड दिस इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, हर एक जगह पे सेम वैल्यू ऑफ करंट है। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। तो दो पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट आएगा इनसाइड द वायर और दूसरा आएगा आउटसाइड द वायर। वायर नहीं बोल के सॉलिड सिलेंडर बोले, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर और दूसरा आएगा आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो पहला केस ले रहे हैं, वी हैव द फर्स्ट केस इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इनसाइड कहने का मतलब है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे। ओके, दिस इज आवर पी पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेंट्रल एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। हेलो, कितने डिस्टेंस पे है सर? दिस इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, और टोटल रेडियस कितना है वायर का? कैपिटल आर। तो पहला काम क्या है, जब भी आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर आपको बोला जाए कि स्मॉल इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो इनसाइड का मतलब हो गया कि स्मॉल आर दैट इज लेस देन द कैपिटल आर, जो कि डायग्राम से आपको दिख रहा है, यानी पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है वो कम होना चाहिए, किससे? रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर से, तभी उसको इनसाइड कंसिडर करेंगे। तो यूज़ करेंगे सर, क्या यूज़ करेंगे? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप। तो पहला काम है कि लूप बना लो सर, एम्पियर लूप या एम्पीरियन लूप बना लो। तो एम्पीरियन लूप हमेशा उसी पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो एम्पीरियन लूप भी हमारा यहीं से पास करना चाहिए। क्वेश्चन आता है सर एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जब भी इस तरह का शेप दे तो हमको हमेशा सर्कुलर लूप एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसकी सिमेट्री के अनुसार सर्कुलर लूप हमारे लिए इंटीग्रेट करना इजी होगा। तो यहाँ पर हमने सर्कुलर एम्पीरियन लूप इस तरह का ले लिया, दिस इज अ सर्कुलर एम्पीरियन लूप, इस तरह का एक सर्कल बना दिया। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा क्या है सर? अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ओके, पी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन आता है सर,
कि यहाँ पे हम ए डॉट बी लेंगे तो फिर से बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो कहानी वही रिपीट होगा जो हमने लास्ट केस में बताया था। पी पॉइंट पे डीएल वेक्टर लेंगे तो अंदर की तरफ और करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, अंदर की तरफ। यानी इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पीरियल लूप, जितने भी पॉइंट है इस लूप के ऊपर, हर एक पॉइंट पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन यानी टेंजेंट का डायरेक्शन बोलो और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम, तो ऑब्वियसली एट इच एंड एवरी पॉइंट बी और डीएल के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। और ये हमारा काम बहुत ही आसान बना देगा। यानी क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट बी को फिर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस कितना डिग्री सर, जीरो डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। बट इस बार प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये टोटल क्रॉस सेक्शन में करंट कितना है आई, बट हमको निकालना है या हमको वैल्यू लेना है केवल कौन सा करंट जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर है। तो हमारा एम्पीरियन लूप तो ये इतना छोटा है और वायर जो है उसमें टोटल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है क्या, टोटल करंट तो हमको पता है, बट इस एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस है स्मॉल आर, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हम एरिया वाइज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सर, हम बोल रहे हैं कि ये टोटल एरिया कितना होगा, टोटल का रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो टोटल रेडियस हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर इतने एरिया में, यानी टोटल एरिया में कितना करंट पास कर रहा है, आई पास कर रहा है। अब भी हमको किस में निकालना है, इस छोटे से रेडियस वाले सर्कल में से कितना करंट पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं वन एरिया में कितना पास करेगा, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अभी ये छोटे से सर्कल का रेडियस कितना होगा, इसमें से कितना पास करेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है सर, समझ रहे हैं, इतने एरिया में आई यानी टोटल एरिया में आई करंट, तो वन एरिया में आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर हमको कितने में चाहिए, इतने एरिया में चाहिए, और इसका एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया उसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितने हो जाएंगे, दैट विल बी आई बाई आर स्क्वायर होल इनटू क्या, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द करेंट थ्रू दिस एम्पीरियन लूप, यानी करेंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिखो या फिर ये वैल्यू लिखो, तो जनरली ये लिखते हैं कई बार, डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। सो व्हाट इज द करंट पर यूनिट एरिया सर, तो करंट पर यूनिट एरिया मतलब टोटल एरिया इनटू एरिया, तो कौन सा एरिया, छोटा सा एरिया, और वो कितने होंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्वेश्चन आता है ये करंट प्लस होगा कि माइनस होगा, इनसाइड द लूप तो इतना होगा ये हमको पता चल गया, बट दिस करंट इज अ पॉजिटिव करंट और अ नेगेटिव करंट, तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जा रहा है, अंदर, तो ऑब्वियसली द करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ये जो करंट है ये हमारा क्या है, प्लस करंट है। इतना कहानी क्लियर है, अब जस्ट क्या करना है, थोड़ा इंटीग्रेट करना है, आ जाएगा बी की वैल्यू। फिर से इच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पीरियन लूप इज एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और एक्सिस से यदि सेम डिस्टेंस पे है तो हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली द बी इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, वी विल टेक दिस आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो बी आ गया बाहर। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस जीरो कितने हो गए, वन, और ये आ जाएगा म्यू नॉट, अच्छा और क्या सर, आई पाई तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर और नीचे आ गया कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ अगेन ये वाला टर्म कितना होगा, फिर से बताओ, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो इंटीग्रेशन डीएल क्या है, डीएल इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एम्पीरियन लूप, तो टोटल यदि लूप के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप आएगा। याद रखना एम्पीरियन लूप का लेंथ लेना है तो स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर नहीं लेना है, तो एम्पीरियन लूप का लेंथ हो जाएगा 2π r। तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा सर, नाउ दिस इंटीग्रेशन वी नीड टू राइट 2π r, that is equal to how much, mu naught times current small r square by capital R square। अच्छा फिर यहाँ से क्या करना है, एक r को cancel कर दो, 2π को नीचे लेके चले जाओ, तो b equal to कितने आ जाएंगे, that will be equal to mu naught i, एक r तो cancel हो गया सर, तो r by 2π capital R square, and that is the general formula for what, the current magnetic field inside a solid cylinder in which the current is uniformly distributed। तो ये B inside है, तो B in लिख रहे हैं, इन मतलब magnetic field inside। क्लियर, कहानी क्लियर है।
क्वेश्चन आता है सर आउटसाइड कितना होगा, तो आउटसाइड भी देख लेते हैं सर. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट इन द सॉलिड सिलेंडर एंड दिस इज द सेकेंड केस आउटसाइड. आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड के लिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं. सपोज दिस इज द पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस बार डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा पी पॉइंट का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फिर से स्मॉल आर लिख रहे हैं. तो आउटसाइड कहने का मतलब इस बार आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ओके, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगा तभी पी पॉइंट को आउटसाइड कंसिडर किया जाएगा. अगेन वी हैव द सेम एम्पियर सर्किटल लॉ. फिर से हमको क्या करना है, फिर से एम्पीरियन लूप जनरेट करना है. तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से होते हुए आपका एम्पीरियन लूप पास करना चाहिए. तो ऑब्वियसली पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये ले रहे हैं, फिर से वही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ध्यान से देखो तो ये कौन सा केसेस बन गया, लास्ट केसेस बन गया. एम्पीरियन लूप के अंदर ही टोटल करेंट है कितना आई. तो फिर से सेम कहानी होगा, फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं. बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप, दैट इज आवर प्यारा सा क्या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. फिर से लिख रहे हैं, एंगल सर्कुलर है हर एक जगह पे, बी और डी एल के बीच में एंगल सेम होगा. बी फिर से कांस्टेंट होगा क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बी को कर दो इंटीग्रेशन के बाहर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्या बचेगा डी एल, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट करेंट इनसाइड द लूप. इस बार कितना है, तो जो भी करंट है वो तो लूप के अंदर ही है, सारा करंट अंदर है, तो करंट इनसाइड तो आई हो जाएगा. और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, तो करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. बी निकालना है, उसके बाद इसको फिर क्या लोगे आप, तो टोटल लेंथ ऑफ द एम्पेरियन लूप तो 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच म्यू नॉट इंटू आई. और फाइनल फार्मूला यहाँ से बता दीजिए, बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितने आ जाएंगे सर नीचे देखेगा क्या. ओके, तो B इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर. बट ये किधर है सर, दिस इज आउटसाइड, तो इसको लिख रहे हैं आउट. ओके, तो इतना आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट, तो ये आ गया. तो ये दो फार्मूले बेसिकली हमने डिराइव कर लिए. तो बार बार आपको इसी तरह से एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से पास करना है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन देखना है बी और डीएल के वेक्टर के बीच में, और साथ ही साथ करंट इनसाइड द लूप देखना है, और उसका साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो भी देखना है. ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा क्या है. दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते, एम्पीरियन लूप के ऊपर हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई चांस यहाँ पे हमने सर्कुलर लिया है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम आ रहा है, और वो हेल्प करता है बेसिकली इंटीग्रेशन में. तो दीज आर द प्रोसेस जिसके थ्रू हम बेसिकली इजिली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. अब इस फार्मूले में इनसाइड और आउटसाइड वाला जो वैल्यू आया इसको थोड़ा हम ग्राफ के टर्म में प्लॉट करना चाह रहे हैं. तो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट इन अ सॉलिड सिलेंडर, ये हमको प्लॉट करना है. तो आउटसाइड और इनसाइड कितना वैल्यू आया, तो बी इनसाइड अंदर में वैल्यू आ गया कितना म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटसाइड. और इनसाइड तो आपको दिख रहा है बी इनसाइड कितने हैं सर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. अब थोड़ा ध्यान से इस फार्मूले को देखिए, गौर से देखिए इस फार्मूले को, और इसमें हम अब ड्रॉ करना चाह रहे हैं ग्राफ और ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. यानी हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज स्मॉल आर, ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं. तो वाई एक्सिस पे मान लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज स्मॉल आर, ये हमारा वेरिएशन. ओके, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस. तो थोड़ा ध्यान से देखो तो अंदर में यानी जब आर की वैल्यू 0 है तो 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे इनसाइड वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आर की वैल्यू 0 हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर ये आपको पहले से भी पता है 0 होता है, यानी ग्राफ जो चालू होगा वो 0 से चालू होने वाला है क्योंकि आर 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है 0, आर 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड 0.
जैसे जैसे आप एक्सिस से बढ़ते जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते जाएगा, और बाकी सारा टर्म तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, टू पाई आर कांस्टेंट। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द ओरिजिन। और ये कब तक बढ़ते जाएगा, जब तक हमारा पॉइंट अंदर है तब तक ये फार्मूला वैलिड है। तो अंदर कहने का मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये वेरिएशन कब तक होगा, जब तक हम सरफेस तक ना पहुंच जाए, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है कैपिटल आर, रेडियस के बराबर हो गया, ओके। तब तक ये वेरिएशन, उसके बाद फिर क्या होगा, दिस इज द आउटसाइड नॉट इनसाइड, उसके बाद आउटसाइड वाला वेरिएशन आ जाएगा। और आउटसाइड में देखो इनवर्स रिलेशन है, यानी जैसे हम बाहर जाएंगे, जैसे सेंटर से दूर जाए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, और जैसे जैसे सरफेस तक गए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते गया बढ़ते गए बढ़ते गए यहाँ तक आया, और उसके बाद फिर इनवर्स रिलेशन है, यानी बाहर जैसे जाएंगे अब डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ये वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा। और जब आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी आर इन्फिनिटी होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज द इनसाइड पोर्शन, दिस इज द आउटसाइड पोर्शन। बट यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज द बी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो कहाँ पे होता है, वो सरफेस पे होता है। कितना होता है सर, तो इस फार्मूले में जाके स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल दो, तो कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड करेंट कैरिंग कंडक्टर, उसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। और यहाँ पर देखो तो ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, यानी अचानक कोई वेरिएशन नहीं हुआ, कंटिन्यूस वेरिएशन, कहीं भी ग्राफ में गैप नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ। तो आप यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आता, कब, जब सॉलिड करेंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करेंट का, तो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, अचानक सडन कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आएंगे, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इन द मैग्नेटिक फील्ड। डिसकंटिन्यूटी मतलब कहीं पे गैप आ गया, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है सर, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करेंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर इन विच देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट। तो ये हमने आपको सेकंड केस बताया और उसका पूरा वेरिएशन का फार्मूला बताया। ये दो फार्मूले आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरिएशन कुछ ऐसा है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, विच इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब थर्ड केसेस की तरफ बढ़ते हैं। Now we have the third cases. थर्ड केस में हम हॉलो सिलेंडर ले रहे हैं। हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर से इनसाइड और आउटसाइड। तो जहाँ पे सॉलिड था वहाँ पे आपको क्या कर देना है, जस्ट दिस इज द थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड फिर से हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके निकालेंगे ड्यू टू किसके, हॉलो हॉलो सिलेंडर, ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। तो दिस इज आवर प्यारा सा हॉलो सिलेंडर सर, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब ऊपर और नीचे लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट तो अंदर में मटेरियल ही नहीं है, तो करंट बेसिकली सरफेस से होते हुए फ्लो करेगा, तो करंट इज बेसिकली मूविंग इन द सरफेस, और ये करंट कितना है, आई। आई केवल इधर नहीं है, बेसिकली ये टोटल क्रॉस सेक्शन है ना, द टोटल टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो इसमें बेसिकली ये डॉट रहेगा। डॉट मतलब क्या, ऊपर से देखोगे तो करंट ऊपर जा रहा है, तो टोटल करंट इन दिस क्रॉस सेक्शन दैट इज हाउ मच आई, इस तरह से, ओके, ऐसा वेरिएशन होगा। तो ये बेसिकली थिकनेस है किसका, हॉलो सिलेंडर का, तो करंट बेसिकली इसमें से बाहर आ रहा है इस तरह से, ओके, चारों तरफ। और टोटल करंट कितना है, दैट इज आई, ऐसे नहीं समझना है कि आई और आई टू आई, नहीं,
पूरे सर्कल में से जो करंट जा रहा है दैट इज द आई, और ये सरफेस से होते हुए बेसिकली मूव कर रहा है करंट. करंट इज ओनली मूविंग थ्रू द सर्फेस बिकॉज देयर इज नो मटेरियल इनसाइड द हॉलो सिलेंडर. अच्छा, सेंट्रल एक्सिस हमारा ये है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और रेडियस फिर से हॉलो सिलेंडर का है कैपिटल आर. अगेन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर एज वेल एज आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर. क्लियर है? तो इनसाइड और आउटसाइड निकालना है फिर से. तो सबसे पहले ले रहे हैं इनसाइड पॉइंट पे. फर्स्ट केस इज इनसाइड द हॉलो सिलेंडर. तो इनसाइड का मतलब क्या है सर? आप इस पॉइंट पे गए, दिस इज द पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे सेंट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज स्मॉल आर. ये ओके, थोड़ा आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा. स्मॉल आर लिखे हैं, ये डिस्टेंस कितना है बालक? स्मॉल आर. तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस है स्मॉल आर. ऑब्वियसली द स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, देन ओनली दैट पॉइंट वुड बी टर्मिनाइज्ड इनसाइड पॉइंट. फिर से हम यूज करेंगे क्या, एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप. तो पहला काम है एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो. तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट से होते हुए हमने सर्कल ड्रॉ किया, यानी एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. क्लियर है? तो इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड. तो यूज करते हैं सर. तो पहला काम, दोनों के बीच में एंगल, तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर होगा ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. व्हाई? देयर इज नो करंट इनसाइड, अंदर में कुछ करंट ही नहीं. तो आप ऐसे बोल सकते हो इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर कोई करंट है क्या? नहीं, सारा करंट तो सर सरफेस से होते हुए जा रहा है. तो एम्पीरियन लूप जो आपने लिया है इस सरफेस के अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर, उसके अंदर कोई करंट ही नहीं. तो करंट इनसाइड जो है यही जीरो हो गया. तो बेसिकली ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर दैट इज म्यू नॉट टाइम्स अ करेंट इनसाइड द लूप दैट इज जीरो. और ये जीरो हो गया तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो आपको यदि बोला जाए हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सर जीरो होता है. क्यों? क्योंकि इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट नहीं है. बट ये हमेशा सही नहीं होता. यहाँ पर ये जीरो इसलिए हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक केसेस है. ठीक है, सारा वैल्यू ऐड करने के बाद जीरो हुआ. ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, बट जीरो क्या है? जब टोटल इंटीग्रेशन किए सारे लूप के ऊपर, टोटल इंटीग्रेशन, तो वो वैल्यू क्या आया? ये पूरा टर्म का इंटीग्रेशन आया क्या? जीरो. सो दैट वी कैन सी इनसाइड वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो. तो आउटसाइड की बात करते हैं. नाउ वी हैव द सेकंड केस, आउटसाइड. आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर, आउटसाइड मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी एक पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा जो कि इसके बाहर है. तो ऑब्वियसली विल टेक दिस पॉइंट टू बी द पी पॉइंट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से इस बार है फिर से स्मॉल आर. तो स्मॉल आर दैट इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर, तभी वो पॉइंट क्या बनेगा, आउटसाइड. तो पहला काम क्या है, आपको एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है. क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप दैट इज आई इनसाइड. अच्छा, फिर से एम्पीरियन लूप. तो इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड. जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है एम्पीरियन लूप, वहाँ से पास होना चाहिए, ऑब्वियसली सिमेट्रिक होना चाहिए. तो हमने सर्कुलर लूप ले लिया. द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस. फिर से देखो सर, बी और डी एल के बीच में एंगल. तो इस पॉइंट पी पे यदि आपसे पूछा जाए बी वैक्टर किधर होगा, तो करेंट ऊपर जा रहा है तो बी वैक्टर मस्ट बी इनसाइड, और डी एल वैक्टर भी किधर होगा, अंदर होगा. तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो. एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पीरियन लूप इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर. तो मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए. तो बी आ गया बाहर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी एल, और कॉस जीरो हो गया वन, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड. तो इस लूप के अंदर ही है टोटल करेंट, और करेंट का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के सेम है, तो प्लस करेंट लेंगे, यानी प्लस आई हो गया. ओके, फिर से ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीएल क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप. डीएल क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एम्पीरियन लूप. तो सभी छोटे छोटे सेगमेंट को जब ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप बन जाएगा. तो इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 पाई आर लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा बी होल इंटू 2 पाई स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट इंटू आई. और यहाँ से हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा क्या, बी दैट इज इक्वल टू, तो 2 पाई आर को नीचे भेज दो, तो म्यू नॉट आई बाई क्या, 2 पाई स्मॉल आर. और ये फार्मूला आपने कई बार देख लिया. और ये किधर है सर, दिस इज आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर. क्लियर है? तो
तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हॉलो सिलेंडर जो होता है उसके बाहर यदि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सारा करंट एक्सिस के ऊपर आ गए। वी कैन एज्यूम, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में याद करो, आप हॉलो स्फीयर के वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो उसका जो फार्मूला आता था वो पॉइंट चार्ज के जैसा आता था, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर आता था। तो तुम क्या एज्यूम करते थे कि होल चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द हॉलो स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसनट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो वी कैन कंसिडर द होल करेंट विच इज मूविंग थ्रू द सर्फेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, दैट वी कैन कंसिडर टू बी मूविंग थ्रू द एक्सिस इन अ थिन वायर, और उसका फार्मूला जो होता है थिन वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वही फार्मूला रहे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना फार्मूला आप याद रखो कि आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर कितना होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, और इनसाइड कितना है मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फिर से हम प्लॉट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड और आउटसाइड, तो इस दो फार्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है बालक, दैट इज इक्वल टू जीरो। इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, दैट इज बी आउटसाइड हाउ मच म्यू नॉट इनटू करंट बाय हाउ मच टू पाई स्मॉल आर, इनवर्स रिलेशन है सर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो फिर से प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द हॉलो सिलेंडर स्मॉल आर, तो बी वर्सेस स्मॉल आर को ड्रॉ कर। चलो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो आप यदि एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिया तो एक्सिस वाला पॉइंट भी अंदर ही है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जीरो। कब तक जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, ये भी अंदर में जीरो, ये भी अंदर में जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुँचेंगे, तो जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑल्सो द पॉइंट इज इनसाइड ओनली, तो मैग्नेटिक फील्ड तब तक क्या होगा जीरो, यानी हमको सरफेस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला नहीं है बालक। ओके, तो अप टू सरफेस विल हैव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। तो मान लेते हैं यहाँ तक सरफेस है, सरफेस मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, और जैसे ही सरफेस पे पहुँचें सरफेस के ऊपर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगा क्या कैपिटल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देंगे तो अचानक से मैक्सिमम हो जाएगा मी नॉट आई बाई टू पाई आर मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ जो है वो अचानक जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज द सडन वेरिएशन, यहाँ पे कोई ये लाइन नहीं है, ये अचानक से वैल्यू क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड पे सरफेस के ऊपर मैक्सिमम हो गया, और वो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इतना हो जाएगा, बी मैक्स बोल सकते हो आप। ओके, और वो कितना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दो, म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर। तो जैसे ही सरफेस पे गए अचानक से मैक्सिमम हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इस तरह का वेरिएशन आ जाएगा। डिस्टेंस जब इनफाइनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इस बार ग्राफ में यदि ध्यान से देखो तो एक डिसकंटिन्यूटी आ गया, डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ तक जीरो था अचानक बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जीरो 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 जीरो, और जैसे सरफेस पे पहुँचे अचानक मैक्सिमम हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ग्राफ में एक क्या आ गया डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेनेवर वी क्रॉस अ सरफेस There is a discontinuity in the magnetic field. Magnetic field में जैसे surface को हम cross करते हैं अचानक zero से hero बन जाता है magnetic field. Zero से hero मतलब अचानक value क्या होते हैं बढ़ जाते हैं sir. So there is a discontinuity in the magnetic field if we cross a hollow surface या surface of a hollow cylinder. ये point आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत important है, note करके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है there is a discontinuity in the magnetic field while crossing from inside point to outside point of a hollow cylinder carrying uniform current through the surface. ठीक है, discontinuity है, last cases में discontinuity नहीं था graph में, यहाँ पे discontinuity है. So this was the situation related to what hollow cylinder carrying uniform distribution of current through the surface. एक और cases देखते हैं, बहुत important है sir, and that is the case of a coaxial cable. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल केबल, और ये आप इतना अब ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया है कि आप ऐसे ही हवा में बता सकते हो सर आंसर इसका। सो वी हैव द फोर्थ केसेस एंड दैट इज द लास्ट, और उसको आपको आंसर बताना है हवा में देख के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल केबल, वी हैव अ कोएक्सियल केबल, केबल आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी बताते हैं।
केबल क्या होता है, इस तरह का सेगमेंट होता है. सपोज दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है. फिर से बार बार हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल. और हम बोल सकते हैं ये एप्लीकेबल होता है एम्पियर सर्किट लॉ. इसके अंदर एक वायर है इस तरह से, वायर इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का है सर, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिर से. और वायर में करंट केवल ये अंदर वाले वायर में फ्लो हो रहा है, ओके, इस तरह से. और बाहर वाला जो हॉलो सिलेंडर दिखता है, केबल कहीं भी आपको दिख गया तो केबल का मतलब है इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे होगा. केबल मतलब क्या होता है कि एक में एक के थ्रू जाता है करंट, और जिसके सरफेस में मटेरियल होता है उससे बाहर आता है. तो अंदर वाला जो है ये इसको कोर सेक्शन बोलते हैं, कोर सेक्शन से करंट ऊपर जा रहा है. और बाहर वाला जो है इसको कवरिंग बोलते हैं या क्लैडिंग बोलते हैं. तो क्लैडिंग सेक्शन या फिर कवरिंग सेक्शन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है. दिस इज द रूल ऑफ एनी केबल. केबल कहीं भी दिखा तो आपको यही इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम करना है कि उसके सेंटर में करंट यदि ऊपर जा रहा है तो सरफेस में बाहर जा रहा है. यानी बेसिकली जो इनपुट है वही भी डिवाइस में काम करके फिर आउटपुट के सेक्शन से बाहर आता है. यानी दो वायर का काम करता है केबल, जाने का और आने का. तो कहीं भी आपको कोएक्सियल केबल दिख जाए तो ये होता है जनरल डायग्राम इस तरह का. मान लेते हैं ये हमारा प्यारा सा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कोएक्सियल केबल. और यहाँ पे बहुत सारे रेडियस होंगे, थोड़ा उसको ध्यान से समझिए. पहला है अंदर वाला जो वायर है, अंदर वाले वायर का रेडियस मान लेते हैं ए है, और बाहर जो कवरिंग है उसका रेडियस बी है, ओके. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई ऊपर गया और आई फिर सरफेस से होते हुए सरफेस वाला पोर्शन से नीचे आए. तो बहुत सारे पॉइंट है सर. पहला पॉइंट है इनसाइड द दिस वायर, यानी इसके अंदर है. तो पहला केस ले रहे हैं, इसके अंदर है पॉइंट, यहाँ पे बोला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, ओके. तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जहाँ पे फाइंड करना है आपको, इस पॉइंट पे फाइंड करना है. तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये स्मॉल आर है, तो आप बोलोगे स्मॉल आर इज लेस देन व्हाट ए, ए मतलब अंदर वाले का रेडियस. तो पहला पॉइंट हो गया क्या, स्मॉल आर दैट इज लेस देन ए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, ये पहला क्वेश्चन. तो आप ये ऑलरेडी फार्मूले डिराइव कर चुके हो, क्या सॉलिड सिलेंडर में अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वही वाला ये फार्मूला लगा देंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितना होता है, याद करो वो दिन, फिर से बता रहे हैं, फास्ट बता रहे हैं. ये होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप. लूप कहाँ पे कंसिडर करेंगे, छोटू सा लूप होगा हमारा जिसका रेडियस है स्मॉल आर. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बी को बाहर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू, और इनसाइड कितना होगा तो उसके लिए एरिया में डिवाइड करेंगे. तो ये हम बोलेंगे करंट है आई, और टोटल एरिया कितना है इसका, पाई ए स्क्वायर, बट हमको कितने एरिया में चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर में. तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर करंट क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि एम्पिरियन लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम. तो करंट हो गया प्लस, ओके, तो प्लस हो गया, समझ में आया, ओके. बी निकालना है, टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम्पिरियन लूप, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ऊपर बाई ए स्क्वायर, क्लियर है. तो बी इक्वल टू कितने आ जाएंगे सर, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, एक आर तो कैंसिल हो गया, तो आर बाई क्या, 2 पाई ए स्क्वायर, क्लियर है. ये इतना आ गया. ये कहाँ पे आया, जब R जो पॉइंट है वो अंदर वाले वायर के अंदर है, हेलो, अंदर वाले वायर के अंदर, इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है. तो इसको बोल सकते हो आप इनसाइड पॉइंट बोलो या A पॉइंट बोल रहे हैं. मान लो ये एकदम पूरा अंदर है तो इसको A पॉइंट बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A. मजा आ गया. चलो दूसरा पॉइंट है सर, ये पॉइंट इधर है तो ये किधर है, तो यहाँ से डिस्टेंस फिर से ले रहे हैं स्मॉल आर, तो ये कैपिटल A से ज़्यादा है और कैपिटल, सॉरी, ए से ज़्यादा है और बी से कम है. तो दूसरा केस आप क्या लोगे, दूसरा केस आपको लेना है कि स्मॉल आर दैट इज ग्रेटर दैन स्मॉल, स्मॉल आर दैट इज ग्रेटर दैन ए बट लेस दैन बी, ये केसेस है. इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बोलो सर कैसे निकालोगे. तो वहाँ पे जाके आपको क्या ड्रा करना है, एम्पिरियन लूप ड्रा करना है सर. फिर से सेम कहानी करना है. तो इस बार डायरेक्ट फार्मूला लिख दे क्या, चलो फिर से डिराइव कर देते हैं सर, तभी समझोगे आप. तो ये वाला फार्मूला आपको समझ में आ गया, इसको थोड़ा उठा के इधर रख देते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर बाई टू पाई ए स्क्वायर, सिंपल है सर. चलो इसमें लगाते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, हाउ मच सर,
म्यू नॉट करेंट इन साइट। बताओ सर, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, हिमालय पे जाना है हमको। ओके, बी बाहर आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल। ओके, कॉस जीरो हो गया, कैसे हो गया आपको पता है, बहुत कहानी देख ली आपने, इधर है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। म्यू नॉट करेंट इनसाइड द लूप, तो टोटल करेंट है सर, इस बार टोटल ही करेंट है क्या इनसाइड द लूप, दैट इज प्लस आई, प्लस क्यों, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अच्छा, ये फिर क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द एम्पिरियल लूप 2πr, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2π स्मॉल आर म्यू नॉट इंटू आई, वॉट इज बी, बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई हाउ मच 2π स्मॉल आर। मजा आ गया सर, इस पॉइंट को मान लो बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं बी पॉइंट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट, मजा आ गया सर। तीसरा पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। ओके, तो तीसरे पॉइंट कहाँ है, बाहर है सर, एकदम बाहर है, घर के बाहर है, इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोला है आपको, इस पॉइंट। तो क्या करोगे, इस बार ये वाला डिस्टेंस लेना है स्मॉल आर, तो बोल दो सर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी, बी से ज़्यादा है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से क्या लगाओगे आप, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड द लूप। अब थोड़ा मैजिक देखो सर, यहाँ पे मैजिक क्या है, आप यदि एम्पिरियल लूप यहाँ से लोगे तो ये इस तरह का एम्पिरियल लूप बनेगा, क्लियर है, ऐसा एम्पिरियल लूप बनने वाला है। तो देखो, कोर वाला पोर्शन, कोर मतलब सेंट्रल पोर्शन से करंट ऊपर जा रहा है और सरफेस से करंट नीचे आ रहा है, तो जितना प्लस करंट है उतना ही माइनस करंट है, क्योंकि आई गया और आई आया, समझ में आया, आई ऊपर जा रहा है सर और आई सरफेस से नीचे आ रहा है, तो जितना प्लस करंट उतना ही क्या माइनस करंट, तो टोटल करंट इनसाइड दिस लूप, ये जो एम्पिरियल लूप ड्रॉ कर रहे हो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, जीरो, तो आई इनसाइड द लूप इसको क्या कर देना है, जीरो, इसका मतलब म्यू नॉट, और ये तो जीरो हो गया, और ये यदि जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो बाहर कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट को मान लो बोल रहे हैं सी पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी दैट इज द जीरो वैल्यू। तो ये केसेस था कोएक्सियल केबल का, इसको थोड़ा अच्छी तरह से आपको पीसफुल होके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल है, एक दो डेरिवेशन यदि आप अपने से वीडियो को पॉज करके या बिना देखे यदि कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली वे में टैकल कर पाएंगे। तो ये पूरा कहानी था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से रिलेटेड, और भी कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।